लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से आज से 32 वर्ष पहले भगवान सिंह जी भी थे, हम भी थे, और जिस विधा को ये आगे बढ़ा रहे हैं, देश भर में पहुँचा रहे हैं, उसके प्रमुख स्वामी जी थे नागराज जी। तो चित्रकूट में विश्वविद्यालय का एक केंद्र था, तब हम लोगों के भवन नहीं बने थे, तो एक गूदड़ धर्मशाला थी। उस गूदड़ धर्मशाला में ग्रामीण विकास प्रबंधन विभाग चलता था, तो दिन में हम लोगों के समाज शिल्पी शिविर चल रहे थे, और बीच बीच में नाना जी जैसे जो विराट व्यक्तित्व वाले महापुरुष होते थे, उनसे विद्यार्थियों की भेंट कराते थे, बात कराते थे। उसमें ग्रामीण विकास प्रबंधन विभाग में भगवान सिंह जी भी उस समय अध्ययन कर रहे थे, और एक बहुत अच्छी टीम थी इनकी। पहला दूसरा विश्वविद्यालय का साल था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो सब नाना जी की कल्पना थी कि इन सबसे अलग ग्रामोदय विश्वविद्यालय होना चाहिए, और ग्रामोदय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्राध्यापकों को मिलकर के गांव में जाकर के काम करना चाहिए, और वो तब जाकर के काम कर पाएंगे जब ऐसे महापुरुष जो देश में जिन्होंने काम किया है उनसे भेंट कराएंगे। तो अन्ना हजारे जी से भेंट कराया, चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री थे उनसे भेंट कराया, प्रभाष जोशी जी से भेंट कराया, आदरणीय रज्जू भैया से भेंट कराया, फिर उसी क्रम में जो नागराज जी थे वो भी आए हुए थे, फिर 3-4 दिन इसी प्रकार से सत्संग हुआ, गोष्ठी हुई, वाद विवाद हुआ, लोगों को सीख करके कैसे वो जीवन विद्या को जाने समझें, वो जीवन विद्या का आगे स्वरूप बदला, नाम बदला, केंद्र आश्रम बदले। उसी क्रम में अभी ये जो जिस पद्धति से AICT के साथ मिलकर भगवान सिंह जी काम कर रहे हैं, तो उसी विधा को आगे बढ़ाते हुए गणेश बागड़िया जी अच्छे इंजीनियर थे, हम लोगों के साथ थे, अपना जीवन समय समाज के काम के लिए दिया, अच्छी पढ़ाई करके, सादा पहनावा, साधारण रूप से रहना, और कुटिया में रहते थे, हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे। परम श्रद्धेय नाना जी देशमुख जी को इन्हीं सब कारणों के काम के चलते भारत रत्न मिला, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। अभी कल परसों उनके परम मित्र श्री डॉक्टर आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला, जो निश्चित रूप से उसके योग्य हैं, और भारत सरकार ने जो श्रृंखला बनाई हुई है भारत रत्न देने की, तो जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, समाज को निश्चित रूप से जिन्होंने दिशा प्रदान की है, ऐसे लोगों को अभी चयन होना प्रारंभ हुआ है। आनंद विभाग में लखनऊ जी काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी भी साथ में सहयोग कर रही हैं। तो नाना जी हमेशा ये बोलते थे कि अकेला व्यक्ति नहीं कोई काम कर सकता है, और पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। सुमन जी भी बैठे हुए, वो भी पति पत्नी दोनों समाज के काम में लगे हुए हैं, अपने चौधरी ब्रजगोपाल जी हैं, भाभी जी दोनों प्राचार्य रहे सरस्वती शिशु मंदिर के, पहले आप रहे बाद में वो रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो जहाँ कहीं भी हम लोग देखते हैं, अगर पति पत्नी दोनों, जैसे अभी ये रामगढ़ में दोनों एक परिवार के नाते वहाँ समाज में काम करेंगे, तो जितना पुरुषों के बीच में शिवनारायण जी काम करेंगे उतना ही नीलम जी ने जी नीलम जी उतना महिलाओं के बीच में काम करेगी, बच्चियों के बीच में काम करेगी। तो ये 1992 से 96 तक नाना जी ने समाज शिल्पी के तौर पे एकल व्यक्तियों का चयन करके उनको काम सिखाया, और जिन्होंने भी देश में समाज में गांव में काम करने के लिए समय दिया, उनको प्रशिक्षित किया और गांव के लिए तैयार किया काम करने के लिए। उन्होंने गांव में रहे, काम किया, गांव ऐसे बनाए कि विवाद मुक्त गाँव बनाए। आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब महामहिम राष्ट्रपति थे तो वो देखने के लिए आए कि 80 गाँव कैसे आपने विवाद मुक्त बनाए। कोई गरीब नहीं था उन गांव में, कोई बेकार नहीं था, कोई अशिक्षित नहीं था, कोई अस्वस्थ नहीं था, गांव साफ सुथरा हरा भरा था, और बिजली पर भी निर्भरता नहीं थी, सोलर पर वो गांव चल रहे थे। उन गांवों को 500 गांवों तक बढ़ाया गया, देश भर में चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 दिन वहां आकर रहे, देखा, उन्होंने समझा इन कामों को, और फिर देश भर में पहुंचाया, फैलाया। आज भारत सरकार की ओर से हो, मध्य प्रदेश की तरफ से हो, यह अपने जिले की ओर से हो, अगर किसी गांव का चयन होता है, जितना अच्छा रामगढ़ में काम होगा उतना ही अच्छे जो अपना सिमरा गांव है, कौन सा गांव बताए, सिग्रावन कला में भी और अच्छा हो सकता है। तो रामगढ़ का तो चयन हुआ है, लेकिन आप सिग्रावन कला में इतना अच्छा काम करिए कि वो अपने आप दूसरा जिले जब गाँव का चयन हो तो आपके पास पहुँच जाए। तो कृषि विज्ञान केंद्र है, जन शिक्षण संस्थान है, जिले के सारे विभाग हैं,
अब कूड़ा कचरा निपटान की दृष्टि से तिवारी जी समझा सकते, सिखा सकते, बता सकते। भाई 10 जगह से इनको कंसल्टेंट के तौर पे पैसा मिलेगा, एक गांव फ्री में बताएंगे जाके। संतोष जी दुनिया भर में आपकी बात को पहुंचा सकते हैं, इन्होंने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को, अच्छी बातों को जन जन तक पहुँचाया है। अपनी गौशालाएँ हैं, विष्णु जी ने नेहरू युवा केंद्र संगठन में बहुत अच्छे अच्छे कला जत्था तैयार करना, युवाओं को तैयार करना, मंडल तैयार करना, बिना पैसे के गांव में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, काम करना, ऐसे अपने देश में अलग अलग प्रकार से लोग काम में लगे हुए हैं। हमें केवल ये है कि बिना किसी भेदभाव के उनके अच्छे विचारों को सुनना है, स्वीकार करना है, और सहजता से जो हम अपने गाँव में कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करना है। केवल सरकारी योजनाओं की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि सरकारी योजनाएं आएंगी तभी तालाब बनेगा, तभी पेड़ लगेंगे। हम तालाब अपने अपने गांव में, खेत किसान पर, जहां कहीं जगह है जमीन पर, लोगों के सहयोग से उन तालाबों को अच्छा कर सकते हैं। उनमें पानी रह सकता है, पानी भर सकता है। पानी आने के मार्ग को केवल वर्षा के पहले गर्मियों के समय 15-20 युवा तैयार हो गए, उन्होंने अपना मार्ग जो बंद हो गया उसको केवल खोल दिया। विवाद नहीं करना है, तहसीलदार, पटवारी, SDM सबका सहयोग लेके, अब जैसे अपने केला अहिरवार जी हैं, ये ऐसे लोगों को लेकर के आप जाएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, भले ये रिटायर्ड SDM है लेकिन ये बात गांव वाले इनकी सुनेंगे, ये कहेंगे भाई ये तरीका है, इससे आप जमीन छोड़ सकते हो, ये तरीका है, ये कानून में व्यवस्था है, आप ऐसे पंचायत कर सकते हो, न्याय पंचायत कर सकते हो, 15 अगस्त 26 जनवरी ग्राम सभा कर सकते हो, और उसमें मिलकर के आप जो मार्ग बंद है उसको खोल सकते हो। अभी एक गांव का बताया, रामगढ़ का ही बताया कि आदर्श ग्राम बनाने के लिए, और वहां के लोगों ने जो एंट्री पॉइंट है उस गांव को अच्छा किया और एंट्री पॉइंट अच्छा हो गया, सबने मिलकर सहयोग करके। तो ऐसे हम लोगों ने हजारों मुकदमे निपटवाए, हजारों, दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत करके समाधान करके न्यायालय में ले गए, चाहे वो जिला न्यायालय रहा हो, कोर्ट रहा हो। आज तो भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी गांव विवाद मुक्त गांव होंगे उनको 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित किया जाए।